मध्य प्रदेश के खंडवा में नव निर्वाचित महापौर अमृता अमर यादव का खंडवा शहर में जगह जगह स्वागत हो रहा है। दरअसल वह अपने पति के साथ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ खंडवा के 50 वार्ड में ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की समस्याएं जानने का प्रयास कर रही हैं। जिस भी वार्ड में वह जा रही हैं वहां उनका जमकर स्वागत हो रहा है। इसका कारण यह भी है कि खंडवा की जनता ने 20,000 वोटों से उन्हें जिताया है। इसका मतलब ये है कि खंडवा के 50 वार्ड में, आपको बता दें, उन्हें भारी जनसमर्थन मिला और लगभग 50 के 50 वार्ड में उन्हें वोट मिले। आपको यह भी बता दें कि पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड ये भी कहता है कि कुछ वार्ड में बीजेपी को नाम मात्र के बहुत कम वोट मिले, इक्का दुक्का वोट मिले, लेकिन इस बार उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे वोट मिले और कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले। इसका कारण है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद यादव की जमीनी जो पकड़ थी जनता के बीच में, सभी वर्गों के बीच में उनका जो प्यार था, और अब उनका प्रतिनिधित्व अमर यादव और उनकी पत्नी महापौर अमृता अमर यादव कर रही हैं। आपको यह भी बता दें, बस स्टैंड पर सलीम टायर वाले के यहाँ यह कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर स्थानीय पार्षद असलम खोकर और उनकी टीम का भी स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अमृता अमर यादव के महापौर बनने के पश्चात खंडवा शहर के लोगों की उम्मीदें अब उनसे बहुत ज़्यादा हैं। खंडवा शहर में पानी, ट्रैफिक, रिंग रोड और सड़क साफ सफाई, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। पानी बड़ा मुद्दा है, रिंग रोड ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है। इन पर काम करने के लिए जनता को बहुत उम्मीद है कि अब अमृता अमर यादव और उनके पति का के मार्गदर्शन से वह 50 के 50 वार्ड के पार्षदों के साथ मिलकर खंडवा शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे और उनकी आशाओं के अनुरूप काम करेंगे। और अमृता अमर यादव ने सभी को यह आश्वासन भी दिया, विश्वास भी दिलाया कि वह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इसी का नतीजा है। आपको बता दें कि इस समय लगभग 50 के 50 वार्ड के जो पार्षद हैं, खासकर जो नए बने हैं, उनमें काम करने को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लोग काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। कुछ जगह यह हो सकता है कि स्थिति कमज़ोर हो, परंतु कई जगह जो खासकर नए पार्षद बने हैं, पहली बार बने हैं, उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट है और यही एक्साइटमेंट महापौर और उनकी टीम में भी देखा जा रहा है। अच्छी बात यह कि शपथ लेने से पहले सभी वार्ड में जाकर वहाँ की समस्याओं को ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि काम करने का जो जुनून है और काम करने की इच्छा शक्ति, वो स्पष्ट तौर पर इनमें दिखाई दे रही है। और इसी उम्मीद में आपको बता दें, लोग आगे बढ़ रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें, जब बस स्टैंड पे कार्यक्रम हुआ तो बीजेपी के सीनियर लीडर परमजीत सिंह नारंग भी मौके पर मौजूद थे, उनका भी स्वागत किया गया। जी हाँ, एंगल चैनल पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे, तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765।